हम सब एक समान, हम एक समान और सभी महान, सभी महान, कोई नीच कोई ऊंच नहीं, तो इतनी सी बात है, ठीक है ना। अच्छा सुनो, हमारे कोई भी पूर्वज गौतम कणाद जैमिनी पाणिनी राम कृष्ण कोई हमारे राम जी चिलम पीते थे? जोर से बोलो, नहीं। ए महात्मा बोल, नहीं पीते थे। ए, नहीं पीते थे ना लाल बाबा? राम जी चिलम पीते हो तो मैं 1000 चिलम दान करूंगा। नहीं पीते थे। और तुम राम जी के भगत हो, उपासक हो, राम जी हमारे आराध्य हैं, लेकिन आप लाल बाबा चिलम क्यों पीते हो? तो सुनो, आज हम देखो, अच्छे पहले तो बताओ, स्वामी रामदेव आप सब महात्माओं से प्यार करते हैं ना, और सन्यासियों का साधुओं का स्वामी रामदेव ने सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? पूरी दुनिया में साधु सन्यासी योगी का सम्मान स्वामी रामदेव ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो आप महात्मा मेरी इज्जत बचाओगे कि मिट्टी में मिलाओगे? ये बताओ, हमने घर परिवार छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? छोड़ा। माँ बाप को भी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? छोड़ा। संसार की सारी मोह माया छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? छोड़ा। तो फिर एक चिलम के पीछे क्यों पड़ गए? राम राम राम। सुनो, सारी बातें महात्मा, सारी बात संकल्प की है। किसकी बात है बोलो? संकल्प की। किसकी बात है? देखो, लोग महात्माओं की मजाक उड़ाते थे, ये महात्मा ऐसे करते हैं, महात्मा वैसे करते हैं। हमने इन सबको जोर से ठोका कि महात्मा त्याग तपस्या में भी रहते हैं, महात्मा रोजगार भी देते हैं, और महात्मा विदेशी कंपनियों को भी उखाड़ फेंकते हैं, और महात्मा परोपकारी होते हैं। हमने 2 लाख लोगों को रोजगार दिया, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को उनके घर में वापस भेज दिया, तो और देश धर्म संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं, युवाओं को बलवान बना रहे हैं, चरित्रवान बना रहे हैं। मैं युवाओं का नशा छुड़वाता हूँ, मेरे से वो बोलते हैं तुम अपने महात्माओं का क्यों नहीं छुड़वाते? अब बताओ मैं इसका क्या उत्तर दूँ? बोलो। तो लाल बाबा जी के लिए ताली बजाओ, मेरे हाथ में हाथ मिला के चिलम छोड़ रहे हैं आज, जोरदार ताली बजाओ। और प्रतीकात्मक रूप से महात्मा एक तो चिलम दो इधर कहा है, निकल ये इधर ये रही महाराज जी, ये रही, ये रखी, हाँ एक और एक और एक और महाराज जी, पीतल की चांदी की महाराज ये तो कई तरह की है, इनको तो ये महाराज ये सिंगार चांदी और महात्मा इधर बैठो, तुलसीदास महाराज की जय हो। महाराज ये तो श्रृंगार वाली चिलम है, इसको हरिद्वारी चिलम, हरिद्वारी चिलम, हरिद्वारी चिलम उधर मिलता है महाराज। देखो महाराज, इनको हम पतंजलि योग पीठ में एक संग्रहालय बनाएंगे, वहां सजाएंगे इनको यादगार में, क्या यादगार में कि कुंभ में गए थे और अपने अखाड़े का नाम पंच तेरे भाई त्यागी दिगंबर अखाड़ा जी। तो इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, पंच तेरे भाई त्यागी निर्माण अखाड़ा हमारे दिगंबर अखाड़ा, पंच तेरे भाई त्यागी दिगंबर अखाड़ा जी। तो ये महाराज अब ये चिलम मेरे को दान अपने हाथ से करो, हाथ से दो, नीचे वाली भी दो, एक आधे तो छोड़ दो। अरे भाई महाराज जी कुछ मांगने आए आप लोगों से, दीजिए, हम तो भिक्षुक है ना, ले पहले हमें महाराज तुलसीदास पीना मत, देखो महाराज पक्का महाराज तुलसीदास महाराज नहीं पे तो ले जाओ, तो तुलसीदास महाराज तुलसीदास ना 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 आपको भी छोड़ना है महाराज जी, तुझे पैसे सवन पे तो ले जाओ, एक आधे तो छोड़ दो, एक आधे तो छूट जाएंगे, आप तो बड़े महात्मा हो, बहुत छोटे थे महाराज ना महाराज, अब तो हम भी तो हठ योगी है, डालो महाराज तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास महाराज की जय बोलो, और लाल बाबा ने हमारे
पक्का प्रण कर लिया तो ये बाबा छुड़वाएगा। महाराज आप क्यों पसीना पसीना हो रहे हो? महाराज जी आपकी बात चिरमंड ले जा रहे हैं, कह रहे थे सारा सौदा ले लिया। महाराज 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 कर दो कर दो, चाय गिर जाए। महाराज कर दो कर देंगे हम, तुम जैसे कहोगे मैं कुम्भ में तो कर दो कर देंगे हम। हम कह रहे हैं छोड़ देंगे हम, कितने दिन में छोड़ोगे? चलो महात्मा जी हमारे अब प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि कुंभ पी लेने दो तो उसके तो डेट बताओ। कितने बड़े महापुरुष साहब यहाँ आए? हाँ हाँ महाराज जी, हम कोई गलत ना कह रहे महाराज। ज्यादा से ज्यादा रामनवमी पे छोड़ दोगे? हाँ रामनवमी पर भी जरूर रामनवमी कम कर दू। रामनवमी को मैंने संन्यास लिया था, ठीक है? तो भाई इन महाराज जी को क्या नाम? मेरा नाम भगवत दास। भगवत दास है, भगवान को दास है तो चिलम को दास कैसे हो सके? देखो हमारा भाई दिगंबर अखाड़ा से हमने पहली शुरुआत की है। देखो मैं चाय नहीं पीता, मेरे को चाय का टेस्ट भी नहीं पता, लेकिन इनके कहने से तो मैं जब अरे राम राम चिलम लगाएंगे टेस्ट नहीं पता। चाय हमने पी नहीं, लेकिन महात्मा ने दे दिए तो हम तो चाय भी पी लेंगे। और कोई भैया इनके अपने दो चेलन ने समझ ले यहाँ सब पी रहे हैं। 25 फरवरी को छोड़ दो, मैं वचन दे रहा हूँ। चलो भाई लाल बाबा का 25 फरवरी का वचन पक्का हो गया, जोरदार ताली बजा दो। और इनका हमारे भगवत दास जी महाराज कहा तो महाराज जी, महाराज जी का रामनवमी का पक्का जोरदार ताली बजाओ भगवत दास। कमरू बजाओ कमरू। देखो सबसे बड़ी हिम्मत तुलसीदास ने की कि आज से बंद महाराज जन कितनी बार महाराज जी रह गई ये बात। तुलसीदास आज बाबा रामदेव हमारी जवाबदारी है, तुलसीदास जी की हमारी जवाबदारी। अच्छा ठीक है तो देखेंगे बाबा भगवतदास जी महाराज जी कह रहे हैं सतुआ बाबा दिनों की बात देखेंगे महाराज जी होगी पक्की। ठीक है महाराज जी चिलम दिखाओ भैया। फोटो ले ले महाराज जी तुम लगा लो तुम आज छोड़वा तो रही हो जिन पे पंच तेरह भाई त्यागी दिगंबर अखाड़ा के इस पुण्य परिसर में हम यहाँ हैं। आज हमने एक आह्वान किया समावेश कुंभ में भी कि हम एक ईश्वर की संतान, एक ऋषियों की संतान, एक भारत माता की धरती माता की संतान, हम सब एक समान और सभी महान, कोई ऊंच नीच जात पात का भेदभाव नहीं। दूसरी बात कि हमको राम मंदिर के निर्माण के साथ देश का चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का काम करना है, और इसमें एक बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी दुनिया साधु संतों की तरफ देखती है। हम रामकृष्ण के उपासक गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि की परंपरा के वंशधर हैं। तो मैंने चिलम छोड़ अभियान इस अखाड़े से ही शुरू किया। हमारे इस समाज का, हमारे साधु समाज का, दिगंबर अखाड़े के इन महापुरुषों का पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने साधुओं की इज्जत बचाने का काम करने का एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया है, नहीं तो हम साधुओं की इज्जत पर दाग लगता है। हमारे ऊपर लोग बहुत भद्दी टिप्पणियां करते हैं कि साधु होके चिलम पीते हैं, तो आज आप लोगों ने हमारी इज्जत भी बचा ली, राम जी भी की इज्जत बचा ली कि हमको ये चिलम छोड़ अभियान में सबसे पहला दान जो है वो आप तेरा भाई त्यागी दिगंबर अखाड़ा से ये अभियान हमने शुरू किया, इसके लिए हमको बहुत गौरव हो रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये इतनी चिलम तो अभी दान दे दिए, बाकी अभी चलेगा। बोले सियावर राम।
की जय। माता की जय। मैया की जय।